प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजु हब बानसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पुनः टॉपिक पढ़ते हैं बीमा। बीमा हमारा कई दिन से टॉपिक चल रहा है, बहुत लंबा भी है, बहुत आसान भी है, क्योंकि लगभग हमारे जो सिलेबस में हमारे लगभग 55 से 50 बीमाएँ हैं जो हमें पढ़ना जरूरी है, जो हमेशा आप किसी कंपिटिशन एग्जाम में हमेशा काम में आती रहती हैं। तो हम उसी संबंध में पहला पॉइंट लेते हैं ऊर्जा घनत्व है। हम इस में पढ़ेंगे ऊर्जा घनत्व की कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है, क्या सूत्र होता है इसका। देखिए बीमा के बारे में फिर आपको रिपीट कर दें, इसकी परिभाषा क्या होती है। ध्यान रखना कि भौतिक राशियों को, किसी व्युत्पन्न राशि को अपन जानते हैं, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशि और एक होती है व्युत्पन्न राशियां। तो किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों में व्यक्त करने के लिए गुणनफल के रूप में जिन पे घात लगाई जाती है उनको बीमा कहा जाता है, उनको बीमा कहते हैं। ये बीमा की परिभाषा है। रिपीट अगेन, व्युत्पन्न, किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों में व्यक्त करने के लिए गुणनफल के रूप में इनमें जो घात लगाई जाती है उनको बीमा कहते हैं। बीमा लिखते समय बड़े कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से, और इसमें अंग्रेजी के बड़े अक्षर काम में लेते हैं, जैसे MLT मुख्य रूप से लेते हैं, M द्रव्यमान है, लंबाई है, समय, इस प्रकार से। तो हम पढ़ते हैं ऊर्जा घनत्व है। देखो ऊर्जा जो घनत्व है ये होता है ऊर्जा बटा आयतन, ये सूत्र होता है भाई, क्या ऊर्जा बटा आयतन, ये ऊर्जा घनत्व होता है। अब यहां लगाएंगे ऊर्जा की बीमा और यहां लगाएंगे आयतन की बीमा। तो ऊर्जा की बीमा वही कार्य की बीमा लगाएंगे, क्योंकि तो कार्य और ऊर्जा एक ही बात होती है। यह लगा देंगे ऊर्जा यानी कार्य जो क्या होती है बीमा, M1L2T-2 और बटे में लगा देंगे आयतन जो होता है L2, क्योंकि आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L L L D L Q। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे इसको, आगे देखो L के ऊपर जाएगा जो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, माइनस में। अब ये M1 का देखो M1 ही रहेगा, ठीक है भाई, L2 प्लस का है, ये नीचे है L3, ये कहाँ जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखो माइनस की 3 घात और प्लस की 2 घात, तो क्या बचेगी भाई, माइनस की 1 घात बचेगी, ये आ जाएगा L-1 और ऊपर तो है पहले से T-2, भाई ये इसका हो जाएगा बीमीय सूत्र, ठीक है। तो ये इसका है बीमीय सूत्र। अगर हम इसके मात्रक की बात करें कि भाई इसका मात्रक क्या होगा, तो अगर हम इसके SI मात्रक की बात करें तो इसका जो SI जो मात्रक होता है वो हो जाएगा क्या, जूल प्रति मीटर, जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि भाई देखो कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, बटे में क्या आ गया आयतन, इसका मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब, तो जूल प्रति मीटर क्यूब इसका हो जाएगा SI मात्रक। हम नंबर 2 पे बात करते हैं कोणीय आवृत्ति की। कोणीय आवृत्ति देखो, जो कोणीय आवृत्ति है इसका सूत्र होता है 2π गुणा आवृत्ति, क्या होता है भाई। अब 2π की कोई मत होती नहीं है भाई, 2π एक तरह से स्थिरांक है, नियतांक है आवृत्ति, तो आवृत्ति की, तो यहां आवृत्ति के लिए बीमा क्या आती है, M0 L0 T-1, ये बीमा इसकी आती है। तो ये लगा दे हमने आवृत्ति बीमा, ये आ जाएगा M0 L0 T-1, ये हो जाएगी आवृत्ति बीमा कोणीय आवृत्ति की, और सूत्र हो जाएगा प्रति सेकेंड, ये इसका हो जाएगा ऐसी मात्रक प्रति सेकेंड, इसका होगा सूत्र, इसकी होगी बीमीय सूत्र, ठीक है। नंबर 3 पे बात करते हैं, नंबर हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो आता है दक्षता।
दक्षता। दक्षता सूत्र होता है निर्गत कार्य बटा निवेशी कार्य। अब देखो भाई, निर्गत कार्य का मीन्स क्या होता है, यानी कार्य और नीचे कार्य है ऊपर भी कार्य है, तो कार्य मतलब है यानी कि ऊर्जा। तो विमा लगाओ कार्य क्या होती है भाई, एम जीरो एल टू सॉरी एम वन एल टू टी माइनस टू, ये होती है कार्य विमा। क्या एम वन एल टू टी माइनस टू, और नीचे है हमारा निवेश कार्य विमा लगाओ उसकी भी, ये क्या हो जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू, ये है कार्य। ये भी कार्य है, ये भी कार्य, बट अंतर क्या है, निर्गत कार्य है और ये निवेश कार्य, दोनों कार्य है, दोनों बीमा क्या हो जाएंगे भाई, दोनों कट जाएंगे आपस में। यहाँ देखो एम भी क्या हो जाएगा, एम जीरो, क्योंकि एम एक पावर ये ऊपर जाएगा, एम क्या हो जाएगा माइनस में, तो एक प्लस में और एक माइनस क्या हो जाएगा जीरो, एम क्या हो गया जीरो। एल तो देखो ऊपर प्लस का है, ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा माइनस में, तो एल क्या हो जाएगा जीरो, और टी भी क्या हो जाएगा जीरो। मतलब ये विमाहीन राशि है, ऐसी राशि है विमाहीन राशि है, और ये मात्रकहीन, इसको मात्रक नहीं होगा, यानी ये राशि मात्रकहीन भी है और विमाहीन राशि है, ऐसी को विमा नहीं होती है। नंबर अब चार की बात करते हैं, प्लायन वेग। प्लायन वेग क्या होता है, प्लायन वेग का सूत्र होता है 2 इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू त्रिज्या की पावर 1/2। ये होता है भाई सूत्र इसका। उधर देखो यहाँ पे टू तो है स्थिरांक और ये है गुरुत्वीय त्वरण, या लगाओ विमा त्वरण की जो हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है एल वन टी माइनस टू, ठीक है भाई। और त्रिज्या की विमा क्या जाएगी, दूरी होती है एल वन, तो टू को एंड की तो स्थिरांक है, तो इनकी पावर क्या जाएगी 1/2, बस की पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, ठीक है भाई इस तरह से। तो अब देखो L1 भाई, L1 और इधर भी क्या है L1, यानी L क्या हो जाएगा L2, ठीक है। तो भाई ये L1 और L1, यानी L हो जाएगा L2, तो L2 की पावर 1/2, और वही रहेगा t माइनस टू, तो t माइनस टू पावर क्या हो जाएगी भाई 1/2, ठीक है। देखो भाई अब ये टू से टू कट जाएगा, ये भी तो यहाँ क्या जाएगा फाइनल एल वन टी माइनस वन, इधर m तो है नहीं, तो m जीरो एल वन टी माइनस वन, ये भी मार जाएगी प्लान वेग की, और इसका जो मात्र क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्र आ जाएगा। कि नेक्स्ट नंबर पांच पे आती है गतिज ऊंचा, नंबर पांच पे आती है गतिज ऊंचा, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो पांच पे आती है गतिज ऊंचा, जो सूत्र इसका होता है 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। भाई देखो यहाँ द्रव्यमान मतलब क्या हुआ, 1/2 छोड़ दे, इतनी ताम क्या द्रव्यमान, यानी m1 और इनटू में वेग का स्क्वायर, वेग में क्या होती है L1 t-1 का स्क्वायर, तो इसका करेंगे हम स्क्वायर, तो आ जाएगा m1, ठीक है,
एल टू टी माइनस टू, इसका मात्रक हो जाएगा जूल। तो हमने इस प्रकार से विमाएं पढ़ी, ये पांच विमाएं हैं पांच राशियों की। इस वीडियो में इतना ही, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।